हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आ गए एक और नई बेहतरीन वीडियो लेके। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम खत्म कर देते हैं पप्पू अटेला को, जो कि था इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा। तो गाइस, ये चीज पूरे शहर में फैल चुकी थी, तो पुलिस वालों के पास भी ये खबर चली गई थी। तो पुलिस वालों ने बोला कि कौन है ये आदमी जिसने कि इतने बड़े गुंडे का सर्वनाश कर दिया। अब गाइस, हमने तो पप्पू अटेला खत्म कर दिया, पुलिस इस बात से खुश हो जाती है और वो हमें देना चाहती है इनाम। तो आज हम जाएंगे उसी इनाम को लेने। पता नहीं यार गाइस, हमें क्या मिलेगा इनाम में। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी फॉर्मल ड्रेस पहन लेता हूँ। फॉर्मल ड्रेस पहनने के आने के बाद तो देख रहे हो गाइस कितनी सारी गाड़ी मेरे पास। तो मैं अब यहाँ पे सीधा चले जाऊँगा अपने हायाबुसा लेके पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में मिलती है मेरे को एक ऑफिसर, तो वो मेरे को बोलती है कि आपने इस शहर के सबसे बड़े गुंडे को खत्म किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको देना चाहते हैं कुछ गिफ्ट। तो ये बुगाटी हुई आपकी। तो गाइस, हमें मिल चुकी है यहाँ पे बुगाटी। तो बुगाटी, वो हो क्या ही गजब लग रही है गाइस, कितनी ही प्यारी बुगाटी है। इसका कलर गाइस कितना अच्छा है। तो गाइस, हम इसको लेके चलते हैं जल्दी से अपने घर पर। तो गाइस, मैं यहाँ पे घर पर तो आ गया हूँ, पर जैसे ही मैं घर पर आता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे ही गाइस मैं घर पर आता हूँ, तो मेरे पास फ़ोन आ जाता है गेमर फ्लिट भैया का। गेमर फ्लिट भैया मेरे पे एक वीडियो भेजते हैं और बोलते हैं कि पप्पू अटेला यहाँ पर बच चुका है। तो पप्पू अटेला बच चुका है और वो मुझे उसकी लोकेशन भेज देते हैं। तो वो लोकेशन थी एयरपोर्ट में, तो वो लोकेशन थी एयरपोर्ट के पार्किंग स्लॉट की। तो मैं वहाँ पर चले जाता हूँ। मैं वहाँ पर वहाँ पे जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे पप्पू होटल तो मिलता नहीं है। पप्पू होटल के गुंडे मेरे को वहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ पे, पर ये मेरे से फाइट करने लग जाते हैं, ये मुझे पता नहीं बताते। तो मैं इनकी अच्छी तरह कुटाई करके आ जाता हूँ। जैसे ही मैं आ रहा होता हूँ, मेरी टक्कर हो जाती है एक मासूम इंसान से। अब मासूम इंसान की तो चटनी बन चुकी है। तो पर मैं अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए चप्पू मैकेनिक के पास चले जाता हूँ। चप्पू मैकेनिक के पास मैं कॉल कर बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा टूट गई है। ये चप्पू मैकेनिक ने मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक कर दी है। चप्पू मैकेनिक को हम पैसों से देकर अपने घर आ जाते हैं। और पीयूष बोल रहा था कि हमें चलना है आज बीच पर, तो बीच के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, अगली वीडियो में आपको मिलेगा। और गाइस, वीडियोस नहीं आ रही जल्दी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, माइक भी नहीं है मेरे पास, इसलिए सॉरी।